किसी भी काम को टालने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती, और जब बात स्वास्थ्य से जुड़ी हो तो वो आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो समय रहते ही जागना जरूरी है। अगर आपके या आपके किसी संबंधी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो बिना देर करे लॉग ऑन करे careworldtv.com पर और क्लिक करे आज से डॉक्टर। जाने माने डॉक्टर्स आपकी प्रॉब्लम्स पर आपको देंगे उचित सलाह। ये ईमेल हमें भेजा है अक्षय ने। वो लिखते हैं, मैं 2003 से तंबाकू चबाता था। मैंने एक महीने पहले ही तंबाकू का सेवन छोड़ दिया है। उसके बाद से अब मुझे छाती में बहुत ज्यादा जलन रहने लगी है। जब भी मैं कुछ खाता पीता हूँ तो ये जलन ज्यादा बढ़ जाती है। क्या तंबाकू और छाती में जलन का कोई संबंध है? मैंने इसके लिए काफी दवाइयाँ की लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। सबसे पहले तो अक्षय जी, आई अप्रिशिएट कि आपने तंबाकू छोड़ दिया। और हाँ, कुछ हद तक जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो ये छाती में जलन मतलब एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आइए जानते हैं हमारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट आपको क्या सलाह देते हैं। अक्षय जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने तंबाकू छोड़ दिया। तंबाकू एक बहुत बड़ी बुराई है और इससे बहुत तरह के कैंसर वगैरह फैल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक अच्छा डिसीजन लिया। दूसरा, आपने मन में ये भ्रम नहीं पाले कि तंबाकू बंद करने से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया है। इनफैक्ट तंबाकू खाने से एसिडिटी बढ़ सकती है, तो आपने एसिडिटी का उससे रिलेशन नहीं है तंबाकू के बंद करने से। एसिडिटी के लिए आप एंटासिड्स ले रहे हैं, अच्छी बात है, एंटासिड्स ले सकते हैं, एंटासिड्स सेफ हैं, लेकिन एंटासिड्स की एफिकेसी बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इफेक्टिव नहीं रहती हैं। तो जो बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल हैं वो प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स हैं। तो मैंने अभी ऑलरेडी बताया है कि जैसे रेबीप्राजोल है या पेंटाप्राजोल है या ओमीप्राजोल है, इस ग्रुप में से आप कोई मेडिसिन यूज कर सकते हैं और उससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम 100% पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अक्षय जी, मैं आशा करती हूँ कि आपके दिमाग में उठ रहे सभी क्वेरी का समाधान आपको मिल गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी किसी भी समस्या पे जाने वाले डॉक्टर्स की सलाह चाहते हैं तो बिना देर किए लॉग ऑन करें careworldtv.com पर और क्लिक करें आज से डॉक्टर। हमारे डॉक्टर्स डायरेक्ट मौजूद हैं कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। विजिट www.careworldtv.com। भेजें सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या। लॉग ऑन टू careworldtv.com एंड क्लिक आस्क द डॉक्टर। हमें आपकी फिक्र है।